गुजरात शुरुआत की द्वारका से। कांग्रेस पार्टी की यह भी कोशिश है कि जो एक संकेत गया था कि अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का पार्टी पे आरोप लगा, उस संकेत को एक अलग संदेश में बदलने की कोशिश कर रहे हैं द्वारका में जाकर, द्वारका से यात्रा। देखिए, ऐसा है कि ये तुष्टिकरण का जो षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी और कुछ मीडिया चैनल्स, कुछ जो नॉर्थ कोरियन चैनल्स हैं जिनको अरुण शौरी जी नॉर्थ कोरियन टेलीविजन चैनल कहते हैं, आपका चैनल उसमें शामिल नहीं है, ये उन द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र था। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी तुष्टिकरण नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है, हर व्यक्ति की उतनी ही इज्जत करती है चाहे वो किसी धर्म का हो, और ख़ास करके जो इस देश का मीडिया है उस मीडिया की गर्दन नहीं मरोड़ती है। अंतिम सवाल करूंगा सर, आप दौरे पे साथ में भी थे, क्या आने वाले वक्त में आपकी बातचीत हुई राहुल गांधी से कि कब अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि 2019 का चुनाव नज़दीक है, संगठन के चुनाव हो रहे हैं, वो भी अगले महीने पूरे हो जाएंगे, राहुल गांधी को अब कमान संभाल लेनी चाहिए। देखिए, वो डिफैक्टो अध्यक्ष तो हैं ही, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, सारे फैसले कर रहे हैं, डिफैक्टो अध्यक्ष तो वो हैं ही, तो ये डिफैक्टो को डी जूरे कब बनाना है ये हमको उनके विवेक पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से संगठन के जितने महत्वपूर्ण फैसले हो रहे हैं वो सारे फैसले श्री राहुल गांधी खुद ही ले रहे हैं। तो इसलिए किस समय फॉर्मलाइज करना है ये उनके और श्रीमती सोनिया गांधी के विवेक पे हमको छोड़ देना चाहिए। नेतृत्व चुनावी जीत दिला पाएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़रूरत है जीत की चुनाव में। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस 1885 में बनी थी, भारतीय जनता पार्टी 1985 में बनी थी। कांग्रेस का 85 में बनी हो, वो कई बारी बनी कई बारी टूटी, तो इसलिए उसकी डेट भी याद नहीं रहती। तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ी विरासत है और इस देश के लोगों की सेवा करने की परंपरा है।